हरियाणा में जबरदस्त चुनावी गहमागहमी देखने को मिल रही है। अब की बार हरियाणा में किस पार्टी के पक्ष में माहौल है, इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस को फायदा होने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि हरियाणा में सरकार विरोधी वातावरण तैयार हुआ है। 2014 और 2019 में जाट वोट बिखर गया था, लेकिन इस बार एक साथ आ रहा है। किसान, जवान और पहलवान एक साथ आ गए हैं। इनके साथ आने से 22 से 24% वोट एक तरफा हो सकता है, इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। सरदेसाई ने कहा कि मनोहर लाल के 9.5 साल जिस तरह से रहे हैं, उससे लोगों में आक्रोश है। बीजेपी के किसी भी पोस्टर पर मनोहर लाल की तस्वीर नहीं है और बीजेपी यह जान गई है कि जमीन पर विरोध हो रहा है। न केवल जाट बल्कि दलित और नौजवान का वोट भी कांग्रेस की ओर जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि हरियाणा का चुनाव ज्यादा लोकल फैक्टर पर है, यहाँ पर बागी निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत सकते हैं। वह बोले कि यह हरियाणा का चुनाव है, इसलिए लोगों का गुस्सा हरियाणा सरकार के खिलाफ है, ये पीएम मोदी का चुनाव नहीं है। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा से 58% वोट मिले थे और 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में यह ग्राफ गिर 36% पर आ गया। मोदी के रहते 22% वोटों की गिरावट हुई। अब जब लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर मिली तो विधानसभा के परिणाम क्या होंगे, ये समझा जा सकता है। बीजेपी नायब सैनी को लेकर आई, लेकिन उनको समय नहीं मिला कि वह अपनी पकड़ बना पाए। उनकी भी एक छवि है कि वह मनोहर लाल के आदमी है। बीजेपी में कहा जाता है कि ज्यादातर जो सीटों का बंटवारा हुआ है उस पर मनोहर लाल की चलती है, यही कारण है कि इतने बागी भी हुए। सरदेसाई का साफ कहना था कि एक तूफान है हरियाणा में, जिसमें कांग्रेस को थोड़ा बहुत एडवांटेज है। वह बोले कि कांग्रेस को ज्यादा एडवांटेज तब होता जब वह एकजुट होकर लड़ती। सरदेसाई ने कहा कि 2014 के बाद से बिहार और दिल्ली छोड़कर हर जगह विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली, सिर्फ मोदी के चेहरे पर, लेकिन 2019 के बाद से यह ग्राफ गिरता चला गया। बीजेपी में जो बागी बने हैं वह इसलिए बने हैं क्योंकि थोड़ा बहुत उनके अंदर से हाईकमान का डर कम हुआ है और उन्हें भी पता है कि सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी भी की। वह बोले कि 90% एडवांटेज हरियाणा में कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस में लड़ाई थी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, जो कि सुलझ चुकी है क्योंकि हुड्डा की पकड़ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के मुकाबले ज्यादा है। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हालांकि राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। भाजपा आखिरी मौके पर कोशिश जरूर करेगी।